हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचिता हियर। कैसे हैं आप लोग? आपने डिसाइड किया है कि जब भी मैं काम पे जाऊंगी आप लोगों से बात करूंगी, जैसे कि मैं पहले टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बट आई विल मेक श्योर दिस टाइम कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं और आप लोगों को अवेयर करूं व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आसपास की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस बताऊंगी, जैसे कि मैंने आज तक एविएशन का एक्सपीरियंस शेयर किया है, वैसे मैं आप लोगों से ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि दुनिया एक्चुअली कैसी है। आपको लगेगा कि भाई तुमने क्या दुनिया देखी है, तो भाई मैंने दुनिया देखी है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत देखी है। मैं लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ और मुझे पता चलता है कि लोग कैसे हैं, एंड थैंकफुली सम टाइम्स मैं हमेशा अपने आप को कन्फर्म तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं बहुत हद तक सही रहती हूँ इस चीज़ पे कि लोगों का कैसा रहता है आपके प्रति बर्ताव। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपको कि बहुत सारे लोग हैं, मैनिपुलेटिव लोग होते हैं इस दुनिया में, जिनको आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर वो पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या कर देते हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं प्यार प्यार में कि आप एक शॉक में चले जाते हो, एक कुकून में चले जाते हो, उससे निकल नहीं पाते हो। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। फिलहाल आपको मैं यही इन्फॉर्मेशन दूंगी, अभी ब्रिटिश एयरवेज एंड वर्जिन अटलांटिक एंड एशियन एयर, कतार एयरवेज, इन सारी जगहों में इंटरव्यूज आए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग इंटरव्यू दीजिए। एंड इंटरव्यूज़ की टिप्स वगैरह जो भी हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, मेरा कोई चार्जेस नहीं है, ना ही मैं कोई क्लासेस ले रही हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए, और सबसे पहले आपको ऑनलाइन वेबसाइट में ही अप्लाई करना है, जो मैं बहुत बार अपनी चैनल पर बता चुकी हूँ कि आप लोगों को सिर्फ उसी से अप्लाई करना है, ठीक है? तो अभी ये जो एयरलाइंस हैं इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे, ट्रस्ट मी, मैंने खुद अप्लाई करके देखा है और मुझे इनका रिप्लाई आया है, एंड द गुड न्यूज़ इज़ दैट आई वाज शॉर्टलिस्टेड आल्सो, और फाइनल इंटरव्यू में भी मैं गई थी। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि नहीं बना पाई मैं बिल्कुल भी, बहुत सारे कैंडिडेट थे, एंड आई वाज सिलेक्टेड आल्सो, आई वाज फाइनलाइज्ड, दे फाइनलाइज्ड मी, बट द बेस व्हाट दे वर गिविंग मी आई वाज नॉट लाइकिंग इट। तो उसकी वजह से मैंने एक सेकेंड थॉट दिया कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, लेकिन ऑफकोर्स आई लव फ्लाइंग एंड आई वॉन्ट टू फ्लाई, मुझे फ्लाइंग बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे एज अ पैसेंजर हो और चाहे एज अ क्रू हो, एंड आई लव दैट। बट मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि एक लाइफ का एक ऐसा मोड आ जाता है जब आप नहीं कर पाते हो वो सब चीज़ें, हर चीज़ देखनी पड़ती है, एंड आफ्टर ऑल वंस यू बिकम अ फैमिली वुमेन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, आपसे बात करते करते मैंने रॉन्ग रूट ले लिया है, कल भी मैंने यही किया था, एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है, कल भी हुआ और आज भी हुआ, लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, मैं फिर से यू टर्न ले लूँगी। ऐसी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिससे हमको इरीटेट नहीं होना है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ कि लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी, एवरी डे यू गेट अ वन सरप्राइज इन योर लाइफ एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। फिर अब देखिए, मैं वहाँ से जा सकती थी लेकिन मैं पूरा घूम के आई। तो यही कहते हैं कि हम लोगों को वी शुड नॉट गेट इरीटेड विद एनीथिंग एंड वी शुड काम डाउन वट एवर कम्स इन लाइफ। और अगर आपको, मैं यही कहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ रिगार्डिंग करियर। फिलहाल आप लोग इसमें अप्लाई कीजिए एंड दिस इज़ रियली गुड। आप लोग अप्लाई करके आपको पता चलेगा कि हाउ थिंग्स हैपन एंड हाउ दे वर्क एयरलाइन। एज आई सेड, पीपल वेट फॉर सो मेनी डेज, एटलीस्ट एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि यू हैव बीन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर सो एंड सो एयरलाइन एंड विल बी इन टच शॉर्टली। सो विद इन 20 days, 20 to 25 days, दे विल टेल यू यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड यू हैव टू कम देयर फॉर द फाइनल राउंड। And all this information I have, and it's really, really, good. At least I feel good that people still wants me, and I'm happy. So please apply कीजिए in airlines में. But as I said, only from the website. Website के link अगर मुझे मिले और अगर मेरे पास time रहा तो definitely I am gonna share with you all. चलो, take care, ciao, bye bye, have a great day.